स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं BCA फिफ्थ सेमेस्टर में हमारा सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसका नाम है OSI मॉडल। सो स्टूडेंट्स, अगर हम कहें तो OSI मॉडल जो है वह कॉम्पिटिशन में भी काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो इसको हमें बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना होगा। सो अगर आप OSI मॉडल को ध्यान से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक OSI मॉडल। OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन। OSI की अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो OSI का जो एब्रीवेशन होता है हमारा, वह होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस। इसको अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो डेवलप किया गया था ISO द्वारा, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, जिसने 1984 में जो है OSI मॉडल डेवलप करा था। अब अगर हम स्टूडेंट्स कहें तो द रिक्वेस्ट बिटवीन क्लाइंट एंड द सर्वर इट्स गोन थ्रू 7 layers, यानी कि अगर हमारी कोई भी रिक्वेस्ट होती है वो सर्वर तक जाती है और सर्वर से रेस्पॉन्स आता है, तो वह 7 layers से होकर गुजरती है। ऑल दीज 7 layers वर्क कोलेबोरेटली टू ट्रांसमिट द डेटा फ्रॉम 1% टू अनदर एक्रॉस द ग्लोब। यानी कि यह मैंने अभी आपसे डिस्कस कर किया था कि ये जो 7 layers होती हैं, ये एक साथ कार्य करती हैं मिलकर, ताकि ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकें एक जगह से दूसरी जगह पर एक ह्यूज डिस्टेंस पर। ठीक है, सो अगर हम कहें तो हमारा यह बेसिक इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि हम OSI, वाई वी यूज़ OSI मॉडल, हम OSI मॉडल को क्यों यूज़ करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे यह कुछ हमारी आर्किटेक्चर है OSI मॉडल का। इसमें हमारी 7 types की लेयर्स दे रखी हैं। इन लेयर्स के बेस पर हमारे कम्युनिकेशन जो है वह परफॉर्म होता है। तो फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें, तो फर्स्ट लेयर हमारा जो OSI मॉडल स्टार्ट होता है वह हमारा फर्स्ट लेटर टॉप टू बॉटम टू टॉप। ठीक है, तो बॉटम टू टॉप की अगर हम बात करें तो हमारा फिजिकल डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और लास्ट वन इज एप्लीकेशन लेयर। सो स्टूडेंट्स, लास्ट 3 layers आर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर लेयर्स, एंड द मिड वन ट्रांसपोर्ट लेयर, जो हमारी मिड ट्रांसपोर्ट लेयर होती है वह हमारा हार्ट ऑफ OSI मॉडल भी बोलते हैं उसे। अब एंड लास्ट 3 layers विच इज़ टोटली करस्पॉन्डिंग एंड रेस्पेक्टिवली डिफाइंड बाई द हार्डवेयर डिवाइसेज ऑफ कंप्यूटर, सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हार्डवेयर लेयर्स, इसलिए हम इनको हार्डवेयर लेयर्स भी बोलते हैं। सो आइए स्टूडेंट्स, OSI मॉडल की फर्स्ट लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल लेयर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो ये OSI रेफरेंस मॉडल की सबसे लोएस्ट लेयर होती है, और यह इस बात की लिए रिस्पॉन्सिबल भी होती है कि जो फिजिकल कनेक्शन यानी कि वायर्ड कनेक्शन है डिवाइसेस के बीच, उनको कैसे एस्टेब्लिश किया जाए। और फिजिकल लेयर अपने पास इंफॉर्मेशंस भी रखती है, जो उसके पास डेटा होता है या डेटा आता है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन भी रखती है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, यानी कि 0 और 1 की फॉर्म में। और यह उन बिट्स को इंडिविजुअल यानी कि एक एक करके ट्रांसमिट करती है एक नोड से दूसरे नोड तक। जब डेटा रिसीव होता है फिजिकल लेयर पर स्टूडेंट्स, तो यह लेयर जो होती है यह सिग्नल रिसीव होती है इसको, और ये उन रिसीव सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है 0 और 1 की फॉर्म में, यानी कि बाइनरी फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिट जनरेशन होती है, यानी कि यहाँ पर हम डेटा को बिट्स की फॉर्म में डिवाइड करते हैं, और ये उनको डेटा लिंक लेयर के पास आगे के लिए भेज देती है, ताकि जो हमारा डेटा कि हमने बिट में डेटा को डिवाइड किया था, उन डिवाइडेड बिट्स का या डिवाइडेड पैकेट्स का डेटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग हो जाए। ठीक है,
सो आप स्टूडेंट्स देख रहे होंगे नीचे 4 4 बिट के 3 डेटा है जिनको अलग कर दिया गया है, ठीक है। और फिर इनको आफ्टर कन्वर्ट आफ्टर द सिग्नल्स विच रिसीव्ड एंड कन्वर्ट इट टू द बाइनरी लैंग्वेज देन इट सेंड टू द डेटा लिंक लेयर। तो अब हम इन बिट्स को डेटा लिंक लेयर के लिए फॉरवर्ड कर देते हैं फॉर फर्दर प्रोसेस, आगे की प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए। फिजिकल लेयर स्पेसिफाइज द वे इन विच डिफरेंट डिवाइसेस नोड्स आर अरेंज इन नेटवर्क, यानी कि फिजिकल लेयर में हम कहें तो यहाँ पर हमारे जो नोड्स होते हैं वह और डिवाइसेस होते हैं वह नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं बस टोपोलॉजी के फॉर्म में, स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में या फिर मैश टोपोलॉजी की फॉर्म में। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा फर्स्ट लेयर का बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि हम बोले तो फिजिकल लेयर का हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था जो हमने डिस्कस किया है। सो आइए स्टूडेंट्स, अब अपनी नेक्स्ट लेयर के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लेयर इज डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नोड टू नोड डिलीवरी ऑफ द मैसेज, यानी कि अगर हम कहें तो डेटा लिंक लेयर में हमारे नोड टू नोड डिलीवरी के लिए हमारा डेटा लिंक लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका मेन फंक्शन जो होता है वह ये होता है कि डेटा को हम एरर फ्री बनाएं ताकि वह हमारे ट्रांसमिटेशन मीडियम से आसानी से गुजरे, ठीक है। और जो डेटा हमारे पास आया है फिजिकल लेयर से उस डेटा को भी हम एरर फ्री बनाएं, और जो पैकेट आए हैं नेटवर्क में तो डेटा लिंक लेयर की यह भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उनको मैक एड्रेस के थ्रू रियल एड्रेस पर ट्रांसमिट करें। अब डेटा लिंक लेयर को अभी स्टूडेंट्स दो सब लेयर्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट सब लेयर इज लॉजिकल लिंक कंट्रोल एंड द सेकेंड लेयर इज मीडिया एक्सेस कंट्रोल। सो पैकेट्स जो रिसीव होते हैं नेटवर्क लेयर के लिए वह दो डिवाइडेड नेटवर्क लेयर से के मतलब आगे के लिए जो होगा डिवाइडेड किए जा रहे हैं नेटवर्क लेयर के लिए, उनको फ्रेमिंग में हम एडजस्ट कर देते हैं और उनमें NIC यानी कि फ्रेम साइज ऑफ NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की साइज के अकॉर्डिंग उनको डिज़ाइन करते हैं। अब DLL यानी कि डेटा लिंक लेयर जो है हमारी वह सेंडर्स और उन फ्रेम्स के अंदर जो हेडर्स होते हैं उसमें वह सेंडर और रिसीवर्स के मैक एड्रेस रखती है ताकि यह पता चल जाए कि वह जो मैसेज रिसीव हुआ है वह किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन सोर्स से आया है और किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को सेंड होना है। सो स्टूडेंट, जो फ्रेम्स होते हैं उनके अंदर मैक एड्रेस होता है हमारा, ठीक है। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेयर की तरफ। नेक्स्ट लेयर इज नेटवर्क लेयर। द नेटवर्क लेयर वर्क्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन होस्ट टू द अदर लोकेटेड इन डिफरेंट नेटवर्क्स, यानी कि जो नेटवर्क लेयर होती है वह वर्क करती है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए एक होस्ट से दूसरे होस्ट तक और दूसरे नेटवर्क पर भी। अब स्टूडेंट्स अगर हम कहें तो यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है कि पैकेट राउटिंग यानी कि मल्टीपल पैकेट्स की जो राउटिंग है वह किस तरीके से उन्हें ट्रैफिक फ्री रूट प्रोवाइड किया जाए, यानी कि हम बोलें तो राउटिंग का भी यह कॉन्सेप्ट आता है कि पैकेट्स को हम जो है एक एरर फ्री या ट्रैफिक फ्री रूट प्रोवाइड करें जिससे कि वह विदाउट एनी डिले अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाए। सेंडर और रिसीवर्स जो हैं उनके IP एड्रेसेस होते हैं, जिस IP एड्रेसेस के थ्रू हमारा जो हम कहें तो सोर्स का भी एक IP एड्रेस होता है और डेस्टिनेशन का भी एक IP एड्रेस होता है। तो इसी बेस पर हमारा मैसेज जो है वो ट्रांसमिट होकर यानी सेंड होकर डेस्टिनेशन तक प्रॉपर मैनर में रिसीव होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारी अगर हम कहें तो नेटवर्क लेयर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, राउटिंग यानी कि प्रोवाइड द एरर फ्री या ट्रैफिक फ्री रूट। In the next and main layer of OSI model is transport layer. इसको हम heart of OSI model भी बोलते हैं। So transport layer हमें जो है service provide करती है application layer के लिए कि यहाँ पर जो है जो हमारी transport layer है ये network layer और transport application layer के लिए services provide करती है। अब जो हमारा डेटा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर उनको हम सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड
कर लेते हैं और बाद में उनका रिफ्रेगमेंटेशन भी करते हैं। ये हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है एंड टू एंड डिलीवरी के लिए कंप्लीट मैसेज, यानी कि जो हम सेगमेंट्स के फॉर्म में हमारा डेटा टूट जाता है उसको हम वापस रीअसम्बल करते हैं और एक कंप्लीट मैसेज वहाँ पर बनाते हैं ताकि यूज़र तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए। द ट्रांसपोर्ट लेयर ऑल्सो प्रोवाइड्स द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द सक्सेसफुल डेटा ट्रांसमिशन एंड रिट्रांसमिट द डेटा इफ एन एरर इज फाउंड। यानी कि एक्नॉलेजमेंट का अगर हम बात करें तो फीडबैक, यानी कि यहाँ पर जो मेन कॉन्सेप्ट है ट्रांसपोर्ट लेयर में, वह हमें मैसेज डिलीवरी टाइम पर यह पता करना होता है कि हमारा जो मैसेज सेंड हुआ है वह सक्सेसफुली ट्रांसमिट हुआ या नहीं, और अगर नहीं हुआ तो वहाँ पर क्या एरर डिस्प्ले हो रहा है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है स्टूडेंट्स एक्नॉलेजमेंट का ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर। नेक्स्ट सेशन लेयर, दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कनेक्शन, मेंटेनेंस ऑफ सेशंस, ऑथेंटिकेशन एंड ऑल्सो इंश्योर सिक्योरिटीज। यानी कि अगर हम बात करें तो सेशन लेयर OSI मॉडल के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है डेटा को, यानी कि अनऑथेंटिकेट यहाँ पर डेटा एक्सेस नहीं हो सकता, इसी बेस पर यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है। ठीक, और अगर हम कहें तो हमारा जो कनेक्शंस होते हैं, चाहे वह आपके वायरलेस हो चाहे वह आपके वायर्ड कनेक्शन हो, वह भी हमारे प्रॉपर मैनर में एडजस्ट किए जाते हैं। एंड द सेकेंड लास्ट लेयर इज प्रेजेंटेशन लेयर। द प्रेजेंटेशन लेयर इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांसलेशन लेयर, यानी कि प्रेजेंटेशन लेयर जो है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, OSI मॉडल के अंदर, जिसको हम ट्रांसलेशन लेयर बोलते हैं। अब जो डेटा हमें एप्लीकेशन लेयर से मिलता है उसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं और मैनिपुलेट करते हैं कि वह प्रॉपरली नेटवर्क पर किस तरीके से सेंड होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें फंक्शंस ऑफ द प्रेजेंटेशन लेयर्स आर, अब प्रेजेंटेशन लेयर्स के अगर हम फंक्शंस की बात करें तो मेन फंक्शन हमारा इसका आता है ट्रांसलेशन। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था प्रेजेंटेशन लेयर का। एंड द लास्ट लेयर ऑफ द OSI मॉडल इज एप्लीकेशन लेयर। एट द टॉप ऑफ द एवरी OSI रेफरेंस मॉडल, यानी कि एक स्टैक, यानी कि जो हमारा सीरियल होता है उसमें हमारी टॉप पर जो लेयर होती है वह OSI लेयर में, OSI मॉडल में जो हमारी कौन सी होती है एप्लीकेशन लेयर, जो कि हम नेटवर्क एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और ये एप्लीकेशंस जो होती हैं यह डेटा को प्रोड्यूस करती हैं जिसको कि हम नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र करते हैं। यह हमारी विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए सर्विस प्रोवाइड करती है और नेटवर्क को एक्सेस करने की और रिसीव्ड इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए भी यूज़र को परमिशन देती है। अब इसका अगर हम कहें तो एग्जांपल है एप्लीकेशन लेयर का ब्राउज़र्स, यानी कि वेब ब्राउज़र, स्काइप और मैसेंजर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द OSI रेफरेंस मॉडल इन कंप्यूटर नेटवर्क। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।